हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर। देखो 10 मिनट देना बस, ठीक है? और काफ़ी इजी होगा। चलो स्टार्ट करो जल्दी से और मज़ा आएगा, है ना? सीख भी जाओगे, मज़ा भी आएगा। चलो बनाओ जल्दी से। पहले क्या करो, बहुत इजी बताऊंगा, एक ऐसा ऐसा जल्दी से बनाते जाओ, साथ 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 समझ जाओगे। बना लिए? एक सेम टू सेम भाई भाई बना लिए, ठीक है? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा एक काम करो, इस वाले को भाई को ना थोड़ा ऐसा कर लो, इसमें ज़्यादा इधर से ज़्यादा ज़्यादा कर दो, ठीक है? तो समझ गए होगे सर जी, इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हो गए, इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स कम हो गए, है ना? तो इन दोनों भाइयों के नाम लिखो जल्दी। प्राइमरी कॉइल, क्या लिखोगे? प्राइमरी कॉइल पहले आ गई, दूसरी क्या है? सेकेंडरी कॉइल, क्यों पीछे है, ठीक है? समझ गए? इधर लगा दो बच्चे इनपुट, लिखो जल्दी से इनपुट, और सेकेंडरी में क्या आएगा? आउटपुट। सर मज़ा आ रहा है ना? पक्की बात है, इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा थे, इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है ना? ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ज़्यादा हो जाए, इसमें कम हो जाए, इसमें ज़्यादा इसमें कम, ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन प्राइमरी कॉइल में जितने भी नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 हमने गिन लिए, 20 बैठ रहे हैं, तो उनको हम एन पी बोलेंगे। तो एन पी इज़ द नंबर ऑफ़ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, समझ गए ना? इन कौन सी कॉइल? पी का मतलब प्राइमरी कॉइल, हाँ या ना? क्लियर? जल्दी बताओ यहाँ मैं क्या लिखूँ, कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स इन इन सेकेंडरी कॉइल, लिख लो जल्दी नंबर ऑफ टर्न्स खुद से। चलो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स समझ गए ना बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ गए, बहुत ईजी। तो एक चीज़ समझ ली हमने कि ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल बनाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, एन पी एन एस। क्लियर है बच्चे? ध्यान दो, ट्रांसफॉर्मर है तो यहाँ दो चीज़ों की बात हमें करनी पड़ेगी। एक होता है हमारा यहाँ पर, एक होता है हमारा यहाँ पर ईएमएफ, ठीक है? हाँ या ना? तो ईएमएफ, और यहाँ पर ईएमएफ को ऐसे लिख दो, प्राइमरी कॉइल है, चलो ईएमएफ को ई लिखते हैं, ईएमएफ को ई लिखते हैं, तो प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ क्या लिखोगे? हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है सर, सर सर जल्दी से इसको लिख दें, हाँ या ना, बोलो जल्दी। अच्छा एक चीज़ और, ईएमएफ और आ गया तो क्या आएगा? करंट और आ जाना चाहिए, हाँ या ना? बस लास्ट है, इसके बाद कोई भी ड्रामा नहीं, खत्म। आईपी जल्दी बोलो क्या आएगा इधर का करंट? आई है, ध्यान देना बात पे। इधर इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? बैटरी से वोल्टेज, ठीक है? वो वोल्टेज कितना है? ईपी। क्लियर है? इधर जो आउटपुट में मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? वोल्टेज, समझ गए? वो वोल्टेज क्या होगा? ई है, हाँ या ना, समझ गए? ये क्या है सर? ऐसे नहीं बेटा, ये एसी सोर्स है, नाम तो इसका ईपी है लेकिन है क्या? एसी सोर्स। क्लियर? वोल्टेज वोल्टेज सर, करंट दौड़ा दो, दौड़ा दिया, कितना आएगा जल्दी बोलो? ईपी आई पी ई एस इधर की तरफ आएगा, चाहो तो इधर से ले लो, चाहे इधर से कैसा भी ले लो, ठीक है? आई एस, इतना ध्यान मत दो, हाँ या ना? क्लियर? क्लियर। अब बच्चे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात पे बात करते हैं, इतना बनाने के बाद समझ गए ना? सिंपल है, जल्दी से इधर लिखो कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है क्या होता है, मैं बताऊंगा बाद में। जल्दी से लिखो, ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ का नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखो, ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं सर, कौन सा? पहला स्टेप और अप कर दो, सेकंड स्टेप और डाउन कर दो, ध्यान देना बस, खत्म। पहला स्टेप अप और स्टेप डाउन। देखो वोल्टेज वोल्टेज, ठीक है? अप का मतलब क्या होगा? वोल्टेज वोल्टेज, अप का मतलब क्या होगा जरा ध्यान रखना, कि यहाँ पर जो वोल्टेज है 10 वोल्ट और तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म चेंज कर दोगे, 10 से तुमने 20 वोल्ट कर दिया, तो 10 यहाँ पर है 20 यहाँ पर है, तो इसको स्टेप अप कहेंगे। वोल्टेज बढ़ेगा तो स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ेगा तो स्टेप अप, लिख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इस बात को लिख लेते हैं, वोल्टेज बढ़ेगा तो स्टेप अप, अप का मतलब वोल्टेज बढ़ेगा। सिर्फ ये पॉइंट है जिसके चक्कर में ट्रांसफॉर्मर गलत होता है, मतलब समझ नहीं आता है, समझ रहे हो ना कि बेकार है, गंदा है, इतना रट लो। क्या है? वोल्टेज बढ़ेगा तो स्टेप अप, आ जाओ, वोल्टेज बढ़ेगा तो स्टेप अप, इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख दूँ इधर, कि स्टेप अप में हम क्या कुछ ऐसा करेंगे कि लो वोल्टेज, वोल्टेज या ईएमएफ एक होता है यार, सबको पता होना चाहिए, या लो वोल्टेज से क्या कर रहे हैं? हाई वोल्टेज, हाँ या ना? क्यों सर? क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो स्टेप अप, बोले समझ गए? इधर से ध्यान दो, स्टेप डाउन में क्या मैं लिख दूँ, क्या मैं लिख दूँ कि सर वोल्टेज घटेगा, सर वोल्टेज घटेगा, अरे घटने का मतलब क्या होता है? हाँ सर समझ आ रहा है, हाँ या ना? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, वोल्टेज घटेगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा, समझ गए या नहीं? सर ये तो समझ आ गया, पर इतना ध्यान क्यों देना था? क्योंकि बच्चे अब यहाँ कुछ याद करना है, जो लो वोल्टेज होगा वो एट हाई करंट होगा,
जो लो वोल्टेज होगा वो हाई करंट होगा, समझ रहे हो, लो वोल्टेज एट हाई करंट ऐसा लिखेंगे पूरा, और यहाँ लिखेंगे हाई वोल्टेज एट लो करंट। मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ ध्यान दो करंट पे, मैं चाहता हूँ सिर्फ स्टेप अप में मैंने ऐसे याद किया था क्या, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, तो उसका उल्टा करंट में लिखो, जल्दी समझ गए। चलो सर यहाँ ट्राई करते हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज क्या लिखेंगे, हाई वोल्टेज एट क्या, समझ गए, लो करंट, और ये क्या होगा एट हाई करंट। डरना नहीं है बस याद करना है, अभी के अभी कर लिया। तो यहाँ लिखना ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो वोल्टेज चेंज कर देता है करंट चेंज कर देता है, ठीक है। दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। थर्ड चीज लिखना, थर्ड चीज सबसे जरूरी प्रिंसिपल, पहले लिखना ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर यहां लिखना प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में बस लिखना इट इज बेस्ड बेस्ड ऑन, दो दोस्त जब मिलते हैं तो उनको बोलते हैं म्यूचुअल, तो यहाँ दो भाई मिले इनको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल, तो बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। सर म्यूचुअल इंडक्शन ही बता दो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रोसेस बाई विच क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन द प्राइमरी कॉइल एंड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। सर नहीं समझ में आ रहा, चलो ये लिख लो क्या, कि फ्लक्स चेंजेस इन प्राइमरी कॉइल आया ना, एंड ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन सेकेंडरी कॉइल। सर समझा दो थोड़ा, समझो बात को जरा, समझो सुनो क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि ये है यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ करंट चेंज होता है करंट से फ्लक्स चेंज होता है, इसका फ्लक्स इसमें लिखा हुआ है, हाँ है ना, हाँ है ना, बोलो जल्दी। तो जैसे जैसे इसमें फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे इसमें फ्लक्स चेंज होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, हाँ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, समझ गए, समझ गए हो गए, समझ गए। तो ये तो हो गया भैया अपना कंसेप्ट की, प्रिंसिपल याद हो गया, स्टेप अप स्टेप डाउन याद हो गया, ठीक है। ये वीडियो सबसे बढ़िया वीडियो है, क्यों, क्योंकि ये 2 मार्च 2020 को बनाया जा रहा है, और 2 मार्च 2020 को क्या है, पेपर फिजिक्स का, सही है ना, हाँ। चलो ये सब याद हो गया, लास्ट बात करते हैं, काम खत्म करते हैं, ध्यान दो बच्चे ये लिख लो बस, कि एन एस अपॉन एन पी सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, ये लिख लो बस यहाँ पर, यहाँ वोल्टेज क्या है, ई एस अपॉन ई पी, समझ गए, और यही बराबर हो जाएगा आपका, उल्टा करना है करंट के साथ, क्योंकि करंट को हम हमेशा उल्टा ही रखते हैं, तो यहाँ ई एस ई, समझ रहे हो ना, समझ गए सर, हम समझ गए, हमने ये लिख लिया, समझ गए, कोई परेशानी नहीं। तो देख बच्चे एक क्वेश्चन आएगा वहाँ पर क्या, कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल दे रखी होंगी, प्राइमरी कॉइल दे रखी होंगी, ये 400 है, ये 200 है, ये वोल्टेज देगा कि हमने 2 वोल्ट लगाया, तो ये निकालो, तो इसको हटा देना, यहाँ वैल्यू रखना, यहाँ वैल्यू रखना, यहाँ रखना, एक निकल आएगी, समझ गए ना, समझ गए। एन एस अपॉन एन पी, एन पी इसको हम के बोलते हैं, इस के को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। सर ये क्या होता है, चलो आओ इधर आओ, ये कौन सी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 8 टर्न्स है, कितने, 8 टर्न्स हैं, ये है हमारी सेकेंडरी कॉइल, टक 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 टक, इसमें ज़्यादा दे दे रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हाँ ना, मान लो इसमें बच्चे कितने टर्न्स हैं, इसमें मान लो आप 40 टर्न्स हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 40, तो जल्दी बताओ एन पी कितना है, ये प्राइमरी कॉइल है सर 8, सर एन एस कितना है, 40, बताओ ट्रांसफार्मर रेशियो कितना है, 40 अपॉन 8, कितना आ गया, 5, समझ गए बात या नहीं, सिंपल है, हटा दो जल्दी। अब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात पे बात करते हैं, ठीक है, वहां पर आएगा कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉस हो सकते हैं, तो ट्रांसफार्मर में ये लॉस हो सकते हैं, कौन कौन से लॉस इन ट्रांसफार्मर, पहला कॉपर लॉस, दूसरा आयरन लॉस, तीसरा फ्लक्स लॉस, चौथा हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, CIFH, CIFH, क्लियर है, CIHF, ठीक है। कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर का लॉस का मतलब क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, ये तार दिख रहे हैं, ये वाले तार, ये कॉपर के होते हैं, इन कॉपर के तार में क्या होता है, इन कॉपर के तार में हीट आ जाती है, क्यों आ जाती है, रेसिस्टेंस की वजह से, तो वाइंडिंग वाले तार की वजह से जो लॉस होता है उसमें जो हीट आती है वो क्या हो जाता है, कॉपर लॉस। आयरन लॉस क्या होता है सर, आयरन लॉस होता है इसके अंदर बच्चे, इसके अंदर एक ऐसा कोर लगाते हैं, ऐसा कोर जिसे हम बोलते हैं, कौन सा कोर बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। सर सॉफ्ट आयरन कोर क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, क्लियर है, तो यहाँ ध्यान देना, आयरन लॉस क्या होता है, ड्यू टू एडी करंट, और जो किस में होते हैं, कोर में, कोर समझ गए, सॉफ्ट आयरन कोर में, इनमें एडी करंट पैदा हो जाते हैं, गोल 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 गोल। थर्ड होता है फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लॉस क्या होता है, ड्यू टू ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब सर
बच्चे यार एक के अंदर एक ऐसे मुश्किल है ना, समझ रहे हो, पूरे का पूरा जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें उतनी इसमें आता है नहीं, क्योंकि उनकी अलग ही डायरेक्शन है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर निकल गई, ये रह गया खाली, समझ गए। तो ये होता है फ्लक्स लॉस, ओरिएंटेशन की वजह से एक दूसरे से, समझ गए। चौथा होता है हिस्टेरेसिस लॉस, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। क्या होता है मैग्नेटाइजेशन, जैसे इसमें करंट दोगे ये मैग्नेट बन जाता है सोलेनोइड, जैसे ही करंट दोगे क्या होगा सोलेनोइड, फिर ट्रांसफार्मर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर चालू होगा मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, उससे उसकी ताकत निकल जाती है, उसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्लियर है। इसे एक चीज़ और आती है लास्ट में, एक दो कंसेप्ट और है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। सर आउटपुट इनपुट मतलब आउटपुट पावर इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होती है सर, आउटपुट पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज क्या होता है सर, वोल्टेज होता है ES, ES इंटू IS, IS अपॉन ये क्या हो जाएगा EP, EP इंटू EP, समझ गया। यानी तो वहाँ दे रखी होगी 80% है, तो यार समझ जाना कि 80/100 बराबर ES है, ES, IS, EP, IP, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गई बात मेरी, बात लास्ट में एक बात सुनो, जो भी हमने ये कंडीशन निकाली थी ES अपॉन IPS, ये सब एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, समझ में आ गई बात, यानी कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है, सब कुछ नोट हो गया, ऐसे मन कर रहा था कि ये आ जाएगा सुबह, ठीक है, तो ट्राई करना कि। बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक।